दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे ओके गूगल या हे गूगल आपके फोन पर सेटअप कैसे करें, इसे यूज करके गूगल असिस्टेंट यूज करके आपके फोन को लॉक या अनलॉक कैसे करें, तीसरा इसका अलग एप्लीकेशंस फीचर्स क्या क्या है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते वीडियो। पहले देखते हैं गूगल असिस्टेंट आपको मोबाइल पर सेटअप कैसे करें। अपन फोन पर गूगल का जो आइकन होता है उसे क्लिक करें और नीचे एक मेन्यू सेक्शन है, मेन्यू का 3 डॉट्स है, इसे क्लिक करें। इसे क्लिक करने के बाद आपको चुनना चाहिए सेटिंग्स। सेटिंग्स पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन होगा गूगल असिस्टेंट, यहाँ पर पूरे का पूरा सेटिंग्स मिल जाता है ओके गूगल सेटअप करने का। पहले आपको सेटअप करना चाहिए वॉइस मैच। वॉइस मैच क्लिक करते ही आपको एनेबल कर देना चाहिए हे गूगल, इसे आप एनेबल कर दीजिए। और सेकंड स्टेप है आपको वॉइस मॉडल ऐड करना चाहिए, मतलब आपका एक वॉइस गूगल असिस्टेंट पर रजिस्टर कर देना चाहिए। यहाँ पर 2 ऑप्शन होगा, पहले क्लिक कीजिए रिट्रेन वॉइस मॉडल। रिट्रेन वॉइस मॉडल क्लिक करते ही अपने खुद का वॉइस गूगल असिस्टेंट पर सेटअप कर पाओगे। आपसे पूछा जाएगा ओके गूगल हे गूगल, ऐसे 4 बार कहने के लिए पूछा जाएगा। आप बोलिए, आपका वॉइस फीड किया जाएगा। फीड करने के बाद आप फिनिश बटन प्रेस कर दीजिए। फिनिश बटन प्रेस करते ही आपने जो वॉइस दिया है, ऑडियो दिया है, इसे सेव करना चाहते हैं गूगल अकाउंट्स पर, बेहतर होगा आप इसे सेव कर दीजिए, क्योंकि अगर आप दूसरा डिवाइस भी यूज करते हैं तो उस पर भी ये जो वॉइस रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ स्टार्ट सेइंग ऑडियो, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन से उसे भी एक्सेप्ट कर दीजिए। बस इतने पे आपका जो वॉइस है गूगल असिस्टेंट पर रजिस्टर हो चुका है। दोस्तों ये जो वॉइस आपने फीड किए है, ये जो डिवाइस पर यही वॉइस को ही आंसर किया जाएगा, दूसरा जो वॉइस आप बोलते हैं उसको रिकॉग्निशन नहीं किया जाएगा अगर आप ऑनली वॉइस मॉडल फीड करते हैं तो। दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है डिलीट वॉइस मॉडल, मतलब अगर आप चाहते हैं कि जो वॉइस मॉडल आपने फीड किया है उसे आप डिलीट करें तो आपको क्लिक करना चाहिए डिलीट वॉइस मॉडल। इसे क्लिक करने के बाद वार्निंग आएगा, आप ओके बटन प्रेस कर दीजिए। बस इतने पे आपने जो वॉइस मॉडल फीड किया था वो डिलीट भी हो गया है। फिर से अगर आप चाहते हैं कि एक नए वॉइस मॉडल रजिस्टर करें तो हे गूगल को एनेबल करके वहां पर रिट्रेन वॉइस मॉडल को आप क्लिक करके आपका जो वॉइस है ऐड कर सकते हैं, उसे सेव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, रिट्रेन वॉइस मॉडल, डिलीट वॉइस मॉडल। गूगल असिस्टेंट पर आप अपना वॉइस मॉडल ऐड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट सेटअप करने के बाद इसे आप वर्कअप कैसे करें, मतलब ऑपरेट कैसे करें, आपको यूज करना चाहिए ओके गूगल या हे गूगल। जो वॉइस आपने दिया था उसी को आप यूज करें। ओके गूगल या हे गूगल कहते ही गूगल असिस्टेंट वर्कअप हो जाएगा और उसके बाद अपने कमांड दीजिए, जिस लाइक व्हाट्स वेदर नाउ, व्हाट्स टाइम नाउ, ऐसी चीजें आप बोलते हैं तो उसका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा फ्रॉम गूगल असिस्टेंट। ओके गूगल, व्हाट्स वेदर नाउ? With fog. Tonight the forecast is around 26 degrees and mostly cloudy. Okay Google, what's time now? It's 11:03 p.m. दोस्तों अब देखते हैं लॉक स्क्रीन का जो फीचर है गूगल असिस्टेंट पर उसे कैसे यूज करें। इसके लिए जो सेटिंग्स आपने किया था वहां पर जाकर वॉइस मैच के नीचे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है लॉक स्क्रीन, इसे आपको क्लिक करना चाहिए। लॉक स्क्रीन क्लिक करते ही आपसे पूछेगा अलो कीजिए गूगल असिस्टेंट को लॉक स्क्रीन पर भी ऑपरेट करने के लिए, मतलब आपका फोन लॉक्ड है फिर भी गूगल असिस्टेंट ऑपरेट करे, ये जो फीचर्स को आप इनेबल कर दीजिए यहाँ पर। इसके नीचे आप देख सकते हैं पर्सनल रिसोर्स आप चाहते हैं गूगल असिस्टेंट के द्वारा, तो उसका भी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, आप इनेबल करके पर्सनल जो रिसोर्स है उसे भी पा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद ये जो फीचर्स इनेबल करने के बाद अगर आपका फोन लॉक्ड है तो भी आप गूगल असिस्टेंट यूज कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखिए मेरा फोन लॉक्ड है, स्क्रीन का लाइट ऑन कीजिए, उसके बाद आप बोलिए ओके गूगल कॉल मारो। कॉलिंग अ मालू जियो।
लॉक स्क्रीन पर गूगल असिस्टेंट यूज करके आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट यूज करके आप लॉक स्क्रीन है तो आप पेमेंट्स नहीं कर सकते हैं, गूगल फोटोज को एक्सेस नहीं कर पाओगे, रिक्वेस्ट ओपन अदर एप्स जो अदर एप्लीकेशन होता है उसे आप ओपन नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन विद पर्सनल इन्फो सच एज योर एड्रेस और फ्लाइट डिटेल्स ऐसी चीजें भी आपको नहीं मिलेगा, मतलब आपका जो पर्सनल डिटेल्स है ये सब नहीं मिलेगा। क्या फीचर्स आपको अवेलेबल है लॉक्ड स्क्रीन पर? आपका जो मैसेजेस है, ईमेल से, ये पर्सनल रिसर्च से फ्रॉम जीमेल अपना फोन का कॉन्टैक्ट एक्सेस कर पाओगे, रिमाइंडर्स कुछ भी सेटअप किया है तो वो भी आप पा सकते हैं, उसके साथ साथ आपका जो शॉपिंग लिस्ट है वो भी आप देख पाओगे। इसका मतलब हुआ अगर आपका फोन लॉक्ड है गूगल असिस्टेंट यूज करके जो नॉर्मल चीजें हैं आप पा सकते हैं, मगर पेमेंट्स या कोई भी पर्सनल इन्फो चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखते हैं गूगल असिस्टेंट यूज करके अगर आपका फोन लॉक्ड है तो उसे अनलॉक कर पाओगे। दोस्तों लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन से उस पर ये जो फीचर लॉक स्क्रीन पर आप गूगल असिस्टेंट यूज करके उसे अनलॉक करने का जो फीचर है इसे रिमूव कर चुका है, मतलब हे गूगल अनलॉक माय फोन, इसे आप नहीं कर पाओगे अगर आपका फोन लॉक्ड है तो। ओके गूगल प्लीज अनलॉक माय फोन। यू कांट अनलॉक योर डिवाइस विद योर वॉइस बट यू कैन यूज मी व्हाइल योर डिवाइस इज लॉक्ड। हे गूगल please lock my phone. Sorry, I can't lock your phone for you. मगर आपको फोन लॉक्ड है फिर भी अगर आप चाहते हैं कि गूगल असिस्टेंट यूज करें इसे आप पा सकते हैं। गूगल असिस्टेंट का सेटिंग्स पे जाके लॉक स्क्रीन का जो फीचर्स है उसे इनेबल कर दीजिए। आपका फोन लॉक्ड है फिर भी आप गूगल असिस्टेंट का फीचर्स पा सकते हैं। पुराना एंड्रॉइड जो वर्जन होता था उस पर लॉक स्क्रीन को अनलॉक करना भी पॉसिबल था, मगर उसे लेटेस्ट अपडेट्स के द्वारा उसे भी डिसेबल कर चुका है। तो दोस्तों इसमें देखा ओके गूगल हे गूगल गूगल असिस्टेंट आपको फोन पर सेटअप कैसे करे, यूज कैसे करे, लॉक स्क्रीन अनलॉक स्क्रीन फीचर्स कैसे यूज करे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।